आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, गले की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, गले में आवाज बैठ जाना। रात में आदमी अच्छा खासा सो रहा है और सवेरे तक उसकी आवाज़ बैठ जा रही है। ये कभी भी उसकी आवाज़ बैठ जाती है या बोलते बोलते आवाज़ बैठ जाती है, तो उसी के लिए आपको दवाई प्रदान करो कि अगर आपका किसी भी वजह से बोलते बोलते आवाज़ बैठ रही है या रात में सोते के साथ में सवेरे उठते उठते आपकी आवाज़ बैठ जा रही है, आवाज़ बहुत भारी हो जा रही है, बैठ जा रही है, तो उसके लिए आपको दवाई प्रदान करो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीन चंद पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक लिखा है बोलते बोलते आवाज़ बैठ जाना या रात को आवाज़ धीरे धीरे करके ठंडा जैसे ही बढ़ता है, ठंडा बढ़ते बढ़ते आवाज़ धीरे तक सवेरे तक पूर्ण रूप से बैठ जाना या गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाना, गले में भारीपन रहना, उसी के लिए आपको दवाई प्रदान करो। चलिए दवाई नोट करते हैं। पहली दवाई है एकोनाइट 30 में लीजिएगा। दो दो बूंदें सवेरे दिन में शाम को, पाँच दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर इससे ठीक हो जाए तो सही है, अगर नहीं ठीक होता है तो उससे आगे मेडिसिन बता रहा हूँ। कैप्सिकम 30 में दो दो बूंदें 3 बार, ये भी 5 से 7 दिन लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर उसके बाद आवाज़ में काफ़ी अंतर आ जाएगा तो साथ साथ में आप काली मीर और फायर फॉस को 8-8 गोली सवेरे दिन में शाम को गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में घोलते हुए गरारा करके पिएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। नए वीडियो साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।